अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंटल। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है। ओनली फॉर 35 लाख रुपीज बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। घाटकों पर पेट्रोल पंप दुर्घटना में दूसरी बड़ी दुर्घटना न हो इसलिए धीमी गति से रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। कौन है भावेश भिड़े, एड एजेंसी का मालिक? बीएमसी ने शुरू की अवैध होर्डिंगों पर कार्रवाई। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 13 मई शाम के समय तेज तूफानी हवाएं और बारिश के कारण जो दुर्घटना घाटकों पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर घटी है, बिल बोर्ड गिरकर लगभग 100 लोग दबे और इस बड़ी दुर्घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे। इन्हीं दबे हुए 100 लोगों में से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 74 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। कोई ज्यादा घायल है, कोई कम घायल है। ऐसे तमाम घायलों को जो है सायन अस्पताल और घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पहले ही दिन से शाम को दुर्घटना घटी है, उसी रात से जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में राजनेताओं के, मंत्रियों के और सबके आने की वजह से जो है खलल पैदा हो रहा है। सबसे अहम बात, हम आपको घटनास्थल दिखा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो दिखा रहे हैं और जो भीड़ यहाँ पर लोगों की हो रही है वो भी एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा होने की। मगर सबसे बड़ी जो वजह है, जो एनडीआरएफ के अधिकारी है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज है, उनसे जो बात हुई है, उन्होंने ये तमाम जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप पर हम ये लोहे का जो बिलबोर्ड गिरा है और ये इतना विशालकाय है, बड़ा है, कि उसे कटिंग करके निकालना हमारा काम था लेकिन पेट्रोल पंप की वजह से उसे हम कटिंग नहीं कर रहे क्योंकि स्पार्क होने से, चिंगारियां पड़ने से पेट्रोल पंप है और दूसरी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक नया जो है सिनेरियो यहां पर पैदा हो सकता है और ये बिल्कुल जायज आशंका है और इसी वजह से इन तमाम दूसरी जो पहले की वजह हमने आपको बताई, नेताओं का आना, भीड़ का आना और ये पेट्रोल पंप होना, इस वजह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की गति काफी धीमी चली है। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोग वहां पहुंच रहे और कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा चल रहा है, तो उसकी वजह जो है आपका जाना भी है और वहां पर पेट्रोल पंप पर दूसरी और कोई दुर्घटना बड़ी न घटे इसके लिए सावधानी बरती जा रही है। 14 लोग जो मरे हैं, अब उनको सरकार 5 लाख तो देगी लेकिन ये होल्डिंग, इसको लेकर विवाद चल रहा है। महाविकास आघाड़ी और खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर आरोप लगाए जा रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट द्वारा, और इसका बचाव भी जो है अजित पवार गुट के एनसीपी के छगन भुजबल ने किया उद्धव ठाकरे के समर्थन में बयान देते हुए। बहरहाल हम उसमें ज्यादा तह में नहीं जाएंगे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अलावा आपको बता दें कि ईगो एड एजेंसी का यह बिल बोर्ड था और भावेश भिड़े इसका मालिक है जो कि फिलहाल परिवार समेत फरार बताया जा रहा है। कौन है भावेश भिड़े हम आपको बता रहे हैं, कुछ आपराधिक मामले भी भावेश भिड़े के खिलाफ दर्ज है और वो एक विधानसभा का चुनाव भी भावेश भिड़े लड़ चुका है। अब इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद अब जाकर के मुंबई मनपा यानी बीएमसी की आंख खुली है। राजनीतिक तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो 2 साल का अब लगभग पूरा कालावधि हो चुका है, पीरियड हो चुका है कि बीएमसी में किसी पार्टी की कोई सरकार नहीं है, किसी का मेयर महापौर नहीं है, राज्य सरकार के अधीन है। तो बिल बोर्ड को लेकर के अब ये चुनावी दरमियान राजनीति क्यों, ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि बीएमसी जागने के बाद अब ऐसे तमाम अवैध होर्डिंगों को खोज रही है और उस पर कार्रवाई उसने शुरू की है। अब देखते हैं बीएमसी कितने दिन जागे रहती है और इतने दिनों में वो कितने होर्डिंग हटाती है, मुंबई करों की जान को सलामत रखती है, ये जल्द ही पूरे लेखा जोखा के साथ सामने आएगा। मर गया। अरे बच गया, लेबर कलोनी देखो, सारा गिर गया यार, ये देखो, ये सारा क्या बोलते पेट्रोल पंप के ऊपर ये गिर गया, देखो भाव उधर में, देखो पेट्रोल पंप के ऊपर, अरे वो बोट गिरा है लौरा। Thank you.
अभी एनडीआरएफ की दो टीम्स है, टोटल 53 के आसपास हम लोग हैं जो लगातार पिछले 18 घंटे से इस ऑप्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, अभी तक कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और कहाँ पर भेजा गया है? अभी टोटल जो है यहाँ पर से हमने 14 डेड और 74 माइनर और मेजर इंजर्ड निकाले हैं जिनको लोकल हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है। कौन कौन से हॉस्पिटल्स में अभी? एक सायन है और जो यहाँ लोकल घाटकोपर का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें भेजा जा रहा है। सर, क्या अंदाज है कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है? रेस्क्यू जैसे कि आप देख रहे हैं सिनेरियो, अभी पेट्रोल पंप पे एक होर्डिंग गिरी है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग अपने कटिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसकी क्योंकि एक स्पार्क आ सकता है और एक दूसरा सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए उससे बचने के लिए, तो अभी हम लोग ने हाइड्रोलिक क्रेन का यूज़ किया था यहाँ पर, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ वेट ज़्यादा होने के कारण। तो अभी हम जो है मैन्युअली उसको हाइड्रोलिक कटर्स से साइड के लोड को कम करेंगे और उसके बाद दोबारा ट्राई करेंगे, तो लगभग आज शाम हो जाएगी इसको कंप्लीट करते करते। हम लोग ने फोर व्हीलर्स के जो एरियाज थे उनको क्लियर किया था जिसमें 9 डेड बॉडीज हमने निकाली थी। अभी टू व्हीलर्स का जो एरिया जहाँ से वो लोग टू व्हीलर्स में पेट्रोल वगैरह लेते थे, उस एरिया में हम लोग को अंदाजा है कि बॉडीज मिलने की संभावना है उस जगह। थैंक यू वेरी मच।